बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जाहिद कवि है जी, और आपकी ओरिएंटेशन बैच की भी क्योंकि मैंने करवाई थी इसलिए यकीनन अब आप मेरे से थोड़ा सा वाकिफ़ हो गए होंगे। मेरे ज़िम्मे QM का मैथमेटिक्स का पोर्शन मेरी ज़िम्मेदारी में है। राइस के अंदर हम एक छोटी सी इनोवेशन कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये पहला इंस्टीट्यूट है जो ये डिसीजन ले रहा है, जो ये काम कर रहा है कि PRC लेवल के ऊपर, जबकि बच्चा बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है अपने प्रोफेशन को, वहाँ पर भी आपको सीनियर मोस्ट लोग जो है वो टीच करना शुरू करें। मतलब अकाउंटिंग के अंदर आपको नवीद अंसारी साहब टीच कर रहे हैं, QM के अंदर मैं आ गया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया, ठीक है। तो इसका मकसद एक है, QM तो कहीं भी कोई भी शख्स आपको पढ़ा देता, ये बेसिक सब्जेक्ट है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ दो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट FCAs का बैज में इन होने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको जहन को तैयार किया जा सके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, आपके अंदर वो चेंजेस इंसर्ट की जा सकें जो कि एक प्रोफेशनल इंसान के अंदर जब तक नहीं आती तो जब तक वो क्वालिफाई नहीं करता, आपको शौक पैदा किया जा सके, आपको इल्म के साथ एक दोस्ती लगवाई जा सके। अभी तक आप इल्म को ना पढ़ तो रहे हैं, डेफिनेटली पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बोझ के स्टाइल में पढ़ रहे हैं। यानी अक्सर बच्चे वो हैं जो आज तक की तालीम हासिल कर रहे थे तो बस वो समझ रहे थे हम माँ बाप पर बड़ा आसान कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इल्म से दोस्ती नहीं लगी हुई है। जबकि अल्लाह ताला ने इल्म का एक निज़ाम रखा है, इल्म के अंदर एक रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेज के पैकेट में रखा है, जैसे बिस्किट में रखा है, चिलगोजे में रखा है, मूंगफली में रखा है, कि आप खाना शुरू करते हैं तो फिर वो जब तक ख़त्म नहीं होती खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। इल्म को ऐसे ही चलना चाहिए था कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो आप अंदर इतने गुम हो जाएं कि आपको फ्लेवर आने लगे, आप एंजॉय कर रहे हो, वैसे ही एंजॉय कर रहे हो जैसे आप फेसबुक पर बैठे कर रहे हैं, ट्विटर पर बैठे कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया का जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना, आप लर्निंग को, वहाँ के इल्म को, वहाँ की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस इल्म को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो इसमें दो में से कहीं एक गलती हो गई, या तो मेंटोर जो शख्स आपको पढ़ा रहा था उसकी अपनी इल्म के साथ दोस्ती नहीं लगी हुई थी जिसकी वजह से वो आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सका, आपको ट्रांसफ़र ही नहीं कर सका, बल्कि आपको इल्म ऐसे लगा कि जैसे ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसे मैंने रटा लगाना है, जिसे मैंने याद करना है। नहीं, अल्लाह ताला ने याद करने, आप ज़रा इस इल्म को छोड़ दें, FSC वाले इल्म को छोड़ दें, CA वाले इल्म को छोड़ दें, मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ बताएं जो आप याद करते हो, रियल लाइफ में कोई चीज़ याद करते हैं? कुरान पाक तो चले हम हिफ्ज़ कर रहे होते हैं ना, वो तो कुछ और बात हो गई है। कुरान पाक को भी कभी मैं उस पर भी बात करूँगा कि वो भी याद करने का एक अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है। अल्लाह ने हमारे ब्रेन को बनाया है, खुद ही चीज़ें याद हो जाती हैं। मसलन आप में से कई सारे बच्चे पहली दफ़ा लाहौर आए हैं तो क्या उन्होंने आते ही कापी पेंसिल नोट्स बना लिए थे कि जी कॉलेज का नाम क्या है, टीचर का नाम क्या है, रास्ता कौन सा लगना है, कोई नोट्स नहीं बनाए, खुद ही याद होगी सारी चीज़ें। अभी आपको शायद कम रास्ते आएंगे, थोड़े से दिनों में सारे रास्ते पता चल जाएंगे, सारा लाहौर का पता चल जाएगा, हर बात का पता चल जाएगा, लेकिन वो नोट्स कहाँ हैं जो आपने बनाए हैं? कहीं भी नहीं है। दिमाग, अल्लाह ने दिमाग बनाया ही ऐसे हुआ है कि आप जो कुछ देखेंगे सुनेंगे वो याद होता जाएगा, जो देखेंगे करेंगे वो याद होता जाएगा, उसके ऊपर अलग से बैठ के रट्टा लगाना करना उसकी तो ज़रूरत कोई नहीं है। ये तो पता नहीं कब किसी पढ़ाने वाले से गलती हुई कि उसने ये चीज़ इन्वेंट कर दी कि ये बच्चे घर जाके याद करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर ये करेंगे, कुछ भी नहीं करना था। आप देखिएगा ये प्रैक्टिस हम आपको यहाँ करवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। PRC के अंदर QM और आगे CAF के अंदर चार सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने चारों सब्जेक्ट और QM के बारे में शामिल करके एक बात कह रहा हूँ, आपको एक दिन कोई एक बात याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई होमवर्क नहीं मिला करेगा। क्लास में हम आए हैं, बस आपकी जिम्मेदारी में सिर्फ एक काम है और वो मुश्किल काम है, लेकिन चले मेरी क्लास पहली नहीं है इसलिए आसान है, इस बैच में आसान है। आपकी जिम्मेदारी में सिर्फ एक काम है, आपने क्लास की 95% अटेंडेंस, 90 कह लें, 90% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, बस
उसे भी मैं आइडियल लेवल पे नहीं कह रहा कि 100%, नहीं नहीं, कभी इंसान बीमार हो गया, कोई वजह हो गई, छुट्टी हो सकती है 10% छुट्टी। महीने में 30 लेक्चर हुए तो 3 छुट्टियां कर सकते थे आप। बस आप अपनी अटेंडेंस को 90% मेंटेन करें, ये वाला पेपर मेरी जिम्मेदारी है, 100% पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। वो सारे पेपर जो मैं टीच कर रहा हूँ, क्या वो टैक्स है, क्या वो लॉ है, अच्छा मैं मज़े की बात यह है, मैं वो सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ जो प्योर थ्योरेटिकल है, लॉ, वी लॉ, सी लॉ। और मैं अपनी क्लास में पहले दिन कहता हूँ आपने कोई एक बात याद नहीं करनी, बिकॉज अल्लाह ने हमारा दिमाग इसलिए बना ही नहीं रखा कि हम चीज़ें याद करें। ये मेंटोर का काम है कि वो चीज़ को ऐसे लेकर चले कि बच्चे के दिमाग में वहीं याद हो जाए। तो ज़ीरो होमवर्क के साथ आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम ये सारा काम कर रहे होंगे और पहली अटेम्प्ट में आप इंशाल्लाह पेपर में पास हो जाएंगे अल्लाह ने चाह। बस आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ये बिहेवियर से बात रहना है कि जी टीचर क्लास में आ गया है और आप बाद में आ रहे हैं। आपने देखा होगा मैं क्लास में आया, मेरा मिजाज ही ठीक नहीं था, मुझे, मैं क्लास में एंटर हुआ तो मतलब चीज़ें, मेरी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है, मैं क्लास में आया तो रूम टेम्परेचर ठीक नहीं था और मुझे अपने उस स्टाफ पे गुस्सा चढ़ रहा था कि जिसने ये नोट क्यों नहीं किया कि रूम का टेम्परेचर ठीक नहीं है। प्रीवियस टीचर ने क्लास टाइम पे नहीं छोड़ी तो मुझे ये हो रहा था कि इस टीचर ने अपनी टाइम पे क्लास क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि जो शख्स थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मैं अक्सर क्लास में एक दावा करता हूँ कि आप कभी भी मुझे क्लास में इरीटेट नहीं कर सकते, सिवाय एक बात के कि अगर आप शोर कर रहे होंगे क्लास में। मैं पढ़ा सिर्फ उतनी देर सकता हूँ जितनी देर आप ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे हुए हैं। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से अगर मैं सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू करूँ तो मैं रात 8 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूँ सब्जेक्ट वन थिंग के बच्चे ऐसे बैठे हों। लेकिन अगर आप शोर कर रहे होंगे तो फिर मैं नहीं बोल सकता, मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, आप क्वेश्चन करके, सवाल पूछ पूछ के, उल्टे सीधे सवाल पूछ पूछ के, कभी मेरा दावा है ज़िंदगी में, मेरा चैलेंज है आपको, आप मुझे इरिटेट करके दिखाएं, नहीं हो सकता। तो हमने असल में अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपना माइंडसेट चेंज करना है, एक प्रोफेशनल इंसान में खुद को कन्वर्ट करना है। शौक के साथ, जज्बे के साथ, मोटिवेशन के साथ आपने क्लास में आना है। वो सारे बच्चे जो घर पे लेक्चर ले रहे हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, उन्होंने भी ये काम फॉलो करना है। आपने एक रूटीन में आना है। सीए में आने के लिए सबसे पहली चेंज ये रिक्वायर्ड है कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, आपके सोने का टाइम फिक्स हो, आपके उठने का टाइम फिक्स हो। हम ये नहीं कह रहे आप सारा दिन पढ़े, नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं शेड्यूल बना लें अपना, ऐसे कटी हुई पतंग की तरह ज़िंदगी ना गुजारें, पता ही कोई नहीं, अच्छा जी पढ़ रहा हूँ जी, अच्छा जी कर लेता हूँ जी, अच्छा जी नहीं। यहाँ कई सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको होमवर्क मिल रहा होगा, हर टीचर की अपनी फिलॉसफी है पढ़ाने की, मतलब नवीद अंसारी साहब पढ़ा रहे हैं वो आपको होमवर्क दे रहे होंगे, रोज़ाना होमवर्क देंगे। तो भाई घर फ़ौरन जाके एक शेड्यूल बना लें कि यार इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मैं रात को 7 बजे से 8 बजे पढ़ा करूँगा या 7 से 10, जितना टाइम आपने उसे देना, लेकिन बस फिर आइंदा उसी टाइम का शेड्यूल बना लें। ऐसे ना चलें कि बस जी मैं पढ़ूंगा, अच्छा जी कर रहा हूँ जी, अच्छा अभी करता हूँ, अच्छा मगरिब के बाद करता हूँ, अच्छा ईशा के बाद करता हूँ, अच्छा अब खाना खा लूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये मैं फिर नहीं कह रहे कि आप सारी ज़िंदगी छोड़ के बस अब मेहनत कर, बिल्कुल नहीं कह रहे। मैं अपने सब्जेक्ट में तो कह रहा हूँ कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ क्लास में आ जाए बस, खत्म हो, ज़ीरो होमवर्क, कोई काम नहीं चाहिए आप सब। ये तो अब आकर आई कैप ने काम ख़राब कर दिया, PRC के अंदर इन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए, यानी हर सब्जेक्ट में एक बच्चा टॉप करता था, हर भाई जाए जमील साहब के पीछे भरी हुई है हमारी वॉल, हर अटेम्प्ट में QM का बच्चा इस क्लास का से टॉप करता था, हर अटेम्प्ट में। कॉलेज पहले ही मिठाई मंगा के रख लेता था कि कल रिजल्ट आ रहा है तो बच्चा तो हमारा ही होगा QM का। और कैसे टॉप हो रहा था, वो होमवर्क के साथ आपने करना, बस आप क्लास में आइए हम पढ़ाएंगे, बस खत्म होगी बात। लेकिन जहाँ आपको काम दिया जा रहा है आप अपनी ज़िंदगी को शेड्यूल में लेकर आए, ऐसे नहीं आएंगे सुबह कॉलेज आएंगे तो ज़रा थोड़ा सा तैयार होके आएंगे, अपने आप को ड्रेसअप करेंगे, साफ सुथरे होके आएंगे ताकि आपके अंदर एक शौक पैदा हो कि हाँ यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं आएंगे कि जिस ट्राउज़र में सोए थे उसी में आ गए, चप्पल पहने हुए आ गए, जैसे मर्जी आ गए, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे। इन सारी चीज़ों ने, इन सारी बातों ने हमारी क्लास में वैल्यू ऐड करनी है, हमारे माइंडसेट को इसने लेकर चलना है इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए एक बड़े पॉजिटिव माइंड
के साथ आपने अपनी ज़िंदगी आगाज करना है। आप एक इंतहाई अच्छे कोर्स स्टूडेंट बन गए हैं, उस कोर्स के स्टूडेंट बन गए हैं जिसके सारे लोग वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, कि जब कोई काम कर रहे हो तो इन्हें अपनी खबर भी नहीं होती। मैं आपको कल का वाक्य बता, मैं शायद कुछ 100 से ज़्यादा बैजेस पढ़ा चुका हूँ QM के, लेकिन एक आदत बनी हुई है हमेशा अपना, जो जब नया होता है तो अपने नोट्स को थोड़ा सा जब चैप्टर शुरू करते हैं तो रीअरेंज कर लेते हैं, चीज़ों को और बेहतर कर देते हैं। इसी मिजाज से मैं आज आपका बैच शुरू होना था तो ये चैप्टर 1 के नोट्स को रीअलाइन कर रहा था। अब क्योंकि मैं अपना इस वक्त हासिल कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, बेटी मेरी आई, चलिए पापा मैं चाय बना रही हूँ, आपने चाय पीनी है? मैंने कहा यार बना लो, तो चाय बनाई। अब मैं अपने बेड पे बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, वो आई है, चाय रख के चली गई है। कुछ 15 मिनट आई है, पापा चाय कैसी बनी थी? मैंने कहा कब रखी है तुमने? कभी पापा आप हर दफ़ा मेरे साथ यही करते हैं। मुझे नहीं पता चला वो कब चाय रख के गई है, बिकॉज मैं अपना इल्म एंजॉय कर रहा था उस वक़्त, मैं उसी को देख रहा था, मेरी सारी तवज्जो उसके अंदर थी। अनफॉर्चुनेट काम यह है कि आप इल्म को एंजॉय नहीं कर रहे। अल्लाह ने चाहा अगर उसको मंजूर हुआ तो इल्म के साथ दोस्ती करवाने में मेरा अहम किरदार हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। आपकी हॉबी बन जाएगी, इल्म हासिल करना आपकी हॉबी बन जाएगी, पढ़ना आपकी हॉबी बन जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि अच्छा यह पढ़ना पढ़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, आप एंजॉय करेंगे पढ़ने को इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए आप सब बड़े पॉजिटिव माइंडेड होकर आपने ज़िंदगी का आगाज़ करना है। इस प्रोफेशन में जब आप आए हैं तो आपने कोई एक दो लोग चार्टर्ड, जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, बस आपने किसी एक आधे बंदे को फॉलो करना शुरू कर दिया, बस उसकी बातों पर अमल करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला इस रास्ते को शॉर्टेस्ट वे में ट्रेवल करवा देगा। क्योंकि असल में वही लोग इस प्रोफेशन को जानते हैं जो इस प्रोफेशन के लोग हैं। हाँ, हमें कुछ सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स से वास्ता पड़ रहा होता है, इंग्लिश से वास्ता पड़ रहा होता है, इकोनॉमिक्स से वास्ता पड़ रहा होता है, और कौन सा सब्जेक्ट है, स्टैट है, स्टैट में हम मैथमेटिक्स के बहाने हम एंटर हो जाते हैं ताकि ज़रा बच्चों के साथ ये काम कर सकें, लेकिन अकाउंटिंग में इसीलिए आपके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अटैच है। मैथ में भी क्योंकि मेजर पोर्शन हमारा आता है तो हम कहते हैं यार यहाँ भी हम आ जाते हैं ताकि हम बच्चे क्या इल्म के साथ दोस्ती करवा दें, वरना आप इंग्लिश वैसे ही पढ़ के चले जाएंगे, मैथमेटिक्स वैसे ही पढ़ के चले जाएंगे, इकोनॉमिक्स वैसे ही पढ़ के चले जाएंगे जैसे FSC लेवल पे पढ़ रहे हैं, जबकि इस लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसने चेंज होना है, ठीक है ना। थोड़ी सी इल्म के साथ हमारी क्या होनी है, दोस्ती लगनी। अच्छा जी चलें जी बाकायदा आगाज़ करते हैं जी चैप्टर नंबर 1। आपको मालूम है शायद स्टैट कौन पढ़ा रहे हैं मेरे साथ, सर्वकार पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, तो सर्वकार भी बड़े अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला लेकर चल रहे होंगे। QM के अंदर अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो हिस्से हैं, एक मैथ्स का और एक स्टैट का। अगर हम ICAP की किताब देखें तो चैप्टर नंबर 1 से 6 तक इधर आ जाएंगे और चैप्टर नंबर 15 तक इधर आ जाए, ठीक है। वैसे आम तौर पर हम कहते हैं कि इसका 50-50 वेट है। हाँ, बाद दफ़ा एग्जामिनर इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देता है, इधर 40 ले आता है, इधर 60 ले जाता है, ठीक होगी बात। तो हम उसमें चैप्टर नंबर 1 का आगाज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जितना मटेरियल मैं यूज कर रहा क्लास में, जितनी स्लाइड यूज कर रहा, हम कल क्लास में इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उसके अंदर फिर मैं ये सॉफ्ट में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, हमें किसी एक्स्ट्रा किताब की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इवन ये जो राइज की किताब है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना सारा मटेरियल क्लास में ही कवर कर लेंगे, कोई और हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एक लफ्ज़ आपने कभी क्लास 4-5 से शुरू किया था, ग्राफ आने शुरू हो गए थे आपकी लाइफ में, हो गए थे कि नहीं हो गए थे? ग्राफ भी हमने फिर 3 तरह से बनाए, पहले हमने 2 एक्सिस में बनाए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फिर 3D में बनाने शुरू हो गए, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जिस ग्राफ का हम जिक्र करने जा रहे हैं दैट इज 2 एक्सिस, 2D ग्राफ, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब हम ऐसे लाइन लगाएं और कह दें कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये वाई नेगेटिव आ गया और ये एक्स नेगेटिव आ गया, तो ये जो कुछ बना है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन।
द कार्टेशियन प्लेन इज मेड अप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, जिनको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट, वन इज हॉरिजेंटल एंड अदर इज वर्टिकल, हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है ना, वर्टिकल हॉरिजेंटल, अक्सर हमें ये भूल जाता है वर्टिकल कौन सी है और हॉरिजेंटल कौन सी, ऐसे होता है ना, क्योंकि फिर वही मसला है कि दोस्ती जो नहीं लगी। कभी दोस्त का नाम भी बोला नहीं, बोलता ना, कभी दोस्त का नाम याद किया नहीं किया, कभी घर का एड्रेस याद किया कोई नहीं याद किया, कभी अपना मोबाइल नंबर याद किया कभी नहीं किया, खुद ही याद सब चीज़ें खुद ही याद। तो ये एक पूरी फिलॉसफी है लाइफ की, ये टीचिंग की एक अलग से फिलॉसफी है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपको ये टीचिंग करके दिखा रहे होंगे। एक लफ्ज है होराइजन, होराइजन किसे कहते हैं जी, वेरी गुड शाबाश। कहीं हम अगर खुली जगह पे चले जाएं, जैसे जब कोई शख्स जरा लेयर टाइम गुजारने के लिए कहीं सहरा में चला जाए या समुंदर पे चला जाए, तो आपको पता है समुंदर पर जो लोग जा रहे हैं वो दो टाइम ज्यादा एंजॉयमेंट के कंसिडर होते हैं, या सनराइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा हो। इसी तरह सहरा में अगर आप जाएं जहाँ विजन हमें कई किलोमीटर आगे तक नजर आ रहा हो, तो वहां भी यही दो इवेंट बड़े अच्छे हो सकते हैं, एक सनराइज और एक सनसेट। दूर तक आसमान नजर आ रहा है तो दूर आसमान पे ये फीलिंग आती है कि जहां आसमान और जमीन आपस में मिल गए, और वहां एक ऐसे हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, और सुबह सनराइज के ऊपर भी और सनसेट के ऊपर भी ये वाज़े एक लाइन नजर आती है, इस लाइन को कहते हैं होराइजन। यहीं से लफ्ज निकल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन तो स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, इसका मतलब है एक्स एक्सिस क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो फिर जो बच गया है वो क्या है। ठीक हो गई बात जी, अच्छा जी, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। अब जरा देखिए, कभी हमने ना इल्म को उसका रियल इनसाइट झांकने की कोशिश नहीं की, बस ऐसे सरफेस लेवल पे पढ़कर आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना इल्म से वो खुशबू आ रही होती है, ना वो फ्लेवर आ रहा होता है, ना वो दोस्ती लगती है। अगर देखिए क्या लिखा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड, ये बात ठीक लिखी है, मुझे लग रहा है गलत हो गया काम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स के वाई, एक्स ही आएगा, यही तो सिखाना है। कि कभी हमने ऐसे रुक के सोचा ही नहीं है यार ये क्या बात होने लगी है। जरा देखिए, ये एक पॉइंट है जहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की, यहां से हम क्या करते थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, हम कहते थे एक्स कितना आ गया, ये क्या है टू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से एक पॉइंट दूर, वाई एक्सिस से दो पॉइंट दूर, वाई एक्सिस से तीन पॉइंट, तो जिसे हम वैल्यू ऑफ एक्स कह रहे हैं वो एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम वाई है, और जिसे वाई कह रहे हैं दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। जैसे जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स है, वन टू थ्री, बात समझ आ रही है। तो यही दो बातें यहां लिखी हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी था एब्सिसा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इट्स वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, और वाई को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब क्योंकि हमारा वास्ता एमसीक्यू से पढ़ना है, तो एग्जामिनर ने छोटी से छोटी बात भी पूछ लेनी, उसने ये भी पूछ लेना है एब्सिसा क्या होता है, उसने ये भी पूछ लेना है ऑर्डिनेट क्या होता है, उसने ये भी पूछ लेना है, उसने ये भी पूछ लेना है कि यार एक पॉइंट है टू एंड फाइव, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जब हम ऐसे बनाते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, यहाँ एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है यहाँ वाई नेगेटिव। तो एग्जामिनर बार दफा इतनी बुनियादी बात भी पूछ रहा होता है, मसलन ये एक पॉइंट है माइनस थ्री एन वन, वो कहता है बताइए किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये क्या है
कुछ पॉइंट्स के हमने खास नाम रख दिए हैं, बाकी सबका नाम पॉइंट है। ग्राफ पर कोई भी चीज़ हमें लोकेट करनी है तो उसकी एक पोजिशनिंग है ना, जैसे आप सब क्लास में बैठे हैं तो आपकी एक पोजिशन है, हर लाइन की एक पोजिशन है, हर चीज की एक पोजिशन है, लेकिन कुछ पोजिशन के खास नाम रख दिए हैं, जैसे ओरिजन। इसी तरह फर्ज किया यहां एक पॉइंट आ जाए, यहां एक पॉइंट आ जाए, ये वाला पॉइंट, तो इसको क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जहां एक्स जीरो होगा, और ये क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, जहां वाई जीरो होगा। ये तीन पॉइंट का खास नाम आ गया, बाकी सबका नाम आ गया जर्नल्स, बाकी सब क्या है, पॉइंट्स हैं। ओरिजिन एक पॉइंट है, वाई इंटरसेप्ट एक पॉइंट है, एक्स इंटरसेप्ट एक पॉइंट है, और बाकी सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। और किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट का मतलब है तीन भी उसमें शामिल है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स। बात समझ आ रही है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, एब्सिसा। एक्स की वैल्यू होती क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए हमने कोई चीज याद की है, कुछ भी नहीं किया, बस ये याद होगी आपको, हम रोजाना जब आएंगे तो रोजाना रिपीट कर रहे होंगे सारा कुछ, तो वो काम जो आपने जाके करना था वो असल में टीचर कर रहा होगा, और ये खुद ब खुद सारी चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली रिटेन हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके बाद हम कह रहे हैं जी स्लोप ऑफ ए लाइन, हम एक क्योंकि लाइन का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमने बनानी है, तो लाइन का एक अहम खासा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप इज अ मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ ए लाइन, अ सेक्शन ऑफ ए लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट। वो कहता है पूरी लाइन या लाइन का कोई एक सेक्शन, उसकी स्टिफनेस को, उसकी ढलवान को मेजर करने का नाम क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। और लाइन कहते ही किसे हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके हर पॉइंट पर स्लोप क्या हो, सेम हो। स्ट्रेट लाइनों में और कर्व में यही तो फर्क है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह पर सेम होती है, लेकिन कर्व की स्लोप हर जगह पर चेंज हो रही होती है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ द लाइन को, जैसे कभी आप अगर मरी जाएं और चेयर लिफ्ट में बैठें, तो एक थ्रिल क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, आपकी दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक आपकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है, एक आपकी स्लोप चेंज हो रही है, ठीक है ना। अगर हमारी स्लोप चेंज ना हो रही हो, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, तो थ्रिल तो फिर भी क्रिएट होता है, लेकिन एक नॉर्मल थ्रिल क्रिएट होता है, जैसे आप स्ट्रेट मैदानी इलाकों में गाड़ी चला रहे हैं, स्लोप नहीं चेंज हो रही क्योंकि सड़क तो बिल्कुल एक जैसी है। अब बाज लोग हैं जिनकी जिंदगी में जरा वो ज्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें पोजीशन चेंजिंग के साथ भी उनकी बॉडी अलाइन नहीं है, तो बाज लोग आपने देखे होंगे लाइफ में कि वो गाड़ी में बैठे हैं तो उनका सर चकराना शुरू हो गया है, नोजिया हो गया है, वॉमिटिंग आना शुरू हो गई है, बिकॉज इनकी बॉडी अलाइन नहीं है चेंज इन पोजीशन से भी। अच्छा, फिर जब ये लोग थोड़ा ट्रेवल करना शुरू किया, बॉडी अलाइन हो गई, क्योंकि इंसान अल्लाह ने बॉडी के अंदर इतने सेंसर लगा रखे हैं, बॉडी उसके मुताबिक अलाइन होती है, अब इन्हें कोई नोजिया नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी भी अगर ये बंदा मरी में चला जाए, नारायण कागान में चला जाए, तो वहां क्योंकि पहाड़ आएंगे तो बार बार स्लोप चेंज हो रही होगी, तो फिर कुछ लोगों को नोजिया आना शुरू हो जाएगा, फिर वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते रहते हैं उनका ये नोजिया भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान है, वो जान भी नहीं छोड़ता। अब हमने अपने थ्रिल के लिए बहुत सारी चीजें डिजाइन कर रखी हैं, जहां हम थ्रिल क्रिएट ही किससे करते हैं, चेंज इन पोजिशन एंड चेंज इन स्लोप से, जैसे चेयर लिफ्ट की एग्जांपल आपके पास है, और इससे ज्यादा बेहतर एग्जांपल किसकी है, रोलर कोस्टर की। जब आप रोलर कोस्टर पे बैठते हैं, कभी पाकिस्तान में तो जरा ये चीजें इतनी अवेलेबल नहीं रह गई, अब कराची में वैसे बैरिया टाउन ने बनाया है जो अपना पार्क, उसके अंदर उन्होंने रोलर कोस्टर भी इंस्टॉल किया, लेकिन बहरहाल यहाँ नहीं है। मसलन आप दुबई में चले गए, तो दुबई में दो जगह हैं, एक आईएमजी वर्ल्ड और एक फरारी वर्ल्ड,
यहाँ पे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कोस्टर लगी हुई है, हाईएस्ट स्पीड जो दुनिया में है वो यहाँ पर लगी हुई है। जब आप उस पर बैठते हैं ना तो जाहिर है वो इतनी तेजी से स्लोप और पोजीशन चेंज करती है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी हार्ट बीट है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा होता। क्योंकि अलाइन नहीं हो रहा होता तो थ्रिल क्रिएट करता है। लेकिन ये रोलर कोस्टर का ट्रिप कोई तकरीबन 45 सेकेंड, लेस देन अ मिनट होता है। एक ट्रिप लेस देन अ मिनट होता है। अगर इसे एक मिनट की बजाय 2 मिनट का कर दिया जाए तो कम से कम आधे लोगों की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी इतना फ्रीक्वेंट चेंज। ये कहां से क्रिएट हो रहा है? चेंज इन स्लोप, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्लोप, चेंज इन पोजीशन। इसे कहीं जरा छोटे लेवल पे, आसान लेवल पे लें तो आपके इलाके में जब कोई मेला लगा हुआ है, जब कहीं कोई पंघुड़ा लगा हुआ है, जब कहीं कोई आसमानी झूला लगा हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं? चेंज इन स्लोप, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्लोप, चेंज इन पोजीशन। हम इस चैप्टर में इसको कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। बेटा आप पीआरसी में हो? ओके। चेंज इन स्लोप, चेंज इन पोजीशन, यही इस चैप्टर का मेन खुलासा है। हम इसको पढ़ने के लिए बैठे हैं कि ये क्या है, ये क्या होने जा रहा है। हम कह रहे हैं यार अगर किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो उस लाइन के आपको पॉइंट्स बता दिए, कोई 2 पॉइंट बता दिए जाए इस लाइन के ऊपर, हमें कोई से 2 पॉइंट बता दिए जाए, यानी यहां वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई बता दी जाए और यहां वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई बता दी जाए, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, या हर लाइन की हमने एक इक्वेशन बनानी सीखनी है। असल में सारे चैप्टर में 2 ही काम सीखने। अगर पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनती है, और अगर इक्वेशन गिवन हो तो पॉइंट कैसे बनते हैं। बस पूरे चैप्टर का मेन खुलासा तो यही है। लेकिन इसके दरमियान में हमारा वास्ता पड़ता है स्लोप से। तो हमने कहा यार स्लोप कैसे निकलती है? का स्लोप निकालने के भी 2 ही तरीके हैं। या तो हमें पॉइंट दे दिए जाए, तो हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट से y2 माइनस ओवर x2 माइनस, तो यहां से स्लोप निकल आएगा। या जो y2 माइनस y1 है इसको चेंज इन y भी बोल सकता हूँ, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसी का एक लफ्ज और भी बोल सकता हूँ, एक तो डेल्टा कर सकते हैं, डेल्टा y, डेल्टा तो चले चेंज को एब्रीवेट करने का तरीका, एक लफ्ज हो रहा है, वेरी गुड, राइज ओवर रन। व्हाट इज राइज ओवर रन? What is rise over run? Let's have look on it. यहाँ देखते हैं, देखिए जी बेटा बातें नहीं करेंगे आप लोग क्लास में, ये एक बस क्लास की लिमिटेशन है। एक ये लाइन है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ जाना चाहता है, ठीक है। इसके पास एक तरीका क्या है, ये पहले ऐसे ट्रेवल करे, जब हम हॉरिजेंटल लाइन के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इसको हम रन बोलते हैं। और एक है फिर ये यहां से ऐसे ऊपर चला जाए, इसको राइज बोलते हैं, ठीक है ना। पहले ही अपना सारा रन ट्रेवल करे फिर उसके बाद राइज चला जाए, लेकिन आपको पता है ये ज्यादा डिस्टेंस है। एक तरीका ये यहां से ऐसे ट्रेवल करे, इस स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का एक प्रॉब्लम है कि ये क्या कर रही है, ये राइज और रन एक ही वक्त में चला रही है। जब आप मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं तो मेरा ये वाला डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा है, ये वाला भी ट्रेवल हो रहा है, इस एक्चुअली दैट इज राइज ओवर। कितना मैं ऊपर गया और कितना मेरा ये ट्रेवल हुआ, इसका मतलब है राइज ओवर रन भी क्या है? तो इसको लिखने के 3 तरीके हो गए। पहला तरीका बिल्कुल सादा आ गया, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर, या चेंज इन y ओवर चेंज इन x, या राइज
ठीक हो गया। दूसरा तरीका कि एक बंदे ने मुझे इस लाइन की इक्वेशन दे दी। अब अभी आपने ये नहीं कहना सर इक्वेशन कहाँ से आई है, ये अभी अगले दो तीन लेक्चर में पता चल जाएगा, इक्वेशन बनाना सीख चुके होंगे हम। लेकिन अभी हम कह रहे हैं इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अगर इक्वेशन आ गई है, जैसे ये लिखा हुआ है 2x + 3y = 120, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y हो और उनकी पावर 1 हो, तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। और अगर x की पावर 2 हो जाए तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, अगरचे हमारा वास्ता क्यूबिक से नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हें ग्राफिकली समझें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक पैराबोला है और वो कर्व्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हमारा वास्ता सिर्फ और सिर्फ किससे है, स्ट्रेट लाइन। वो कहते हैं अगर इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, वो कहते हैं इसकी स्लोप बताओ। कहते अच्छा, कहते अच्छा 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 हाँ, इसकी स्लोप निकालने के दो तरीके हैं भाई। आप इक्वेशन को उठाकर रीअरेंज कर दें, सिर्फ y इधर रहने दे, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। इस इक्वेशन का y इधर रहने दे, बाकी सारा कुछ उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। जब ये काम मुकम्मल कर चुकेंगे तो x के साथ जो कुछ लिखा हुआ होगा वो स्लोप होगी। एक तरीका आ गया। और एक दूसरा तरीका है, चलें मैं पहले इसको यहाँ से एब्रीविएट करके आपको जरा समझाता हूँ, वन बाई वन चलते हैं जी। स्लोप निकालनी है हमें, गिवन क्या है, दो पॉइंट गिवन है, निकालें जी कॉपी जरा। ये दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट नंबर वन है 15 30 30 20, 15 30 30 20। फर्ज करें ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, इसका मतलब है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ऐसे ही ना मतलब इसका। तो अभी हमने पढ़ा कि स्लोप कैसे निकल सकती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। किसी को कोई शक है तो पूछ लें, ठीक है ना। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आंसर आ गया -10 / -+15, ये आ गया -2/3। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज -2/3, -2/3। एक बच्चे ने कहा सर ये क्या बात हुई, मैंने तो इसको पॉइंट वन रखना है, इसको पॉइंट टू रखना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसे कर लो, इससे कोई फर्क। इसका सवाल कैसे चल रहा होगा, 30 - 20 / 15 - 30, तो इसका भी आंसर -2/3 है। इसका मतलब है इसमें कोई आर्ट नहीं है कि पॉइंट वन किसे रखना है, पॉइंट टू किसे रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप एक हमेशा लाइन की स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये तो कांस्टेंट ही आनी है, इसमें चेंज नहीं आनी हमारे किसी भी बात से, क्लियर है बात। एक तरीका हो गया, वो कहता नहीं यार बेक मैं आपको बात बताऊं, ये जिस इक्वेशन की आप स्लोप निकाल रहे हो ना, क्या स्लोप निकाली आपने, -2/3। वो कहता है आपको एक मजे की बात बताऊं, इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 120। अब क्या किया एग्जामिनर ने, मुझे इक्वेशन दे दिया और इक्वेशन है क्या, 2x + 3y। अब मैंने कहा कि अच्छा यार यहां से स्लोप निकालनी है, तो कोई बात नहीं है, अब पॉइंट तो नहीं है मेरे पास, बल्कि पॉइंट की जगह क्या है, 2x + तरीका नंबर वन, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, y इधर रह जाए बाकी सब कुछ उधर ले जाए। तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा 3y = -2x + 120। फिर ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू -2/3x + 40। बात समझ आ रही है। अब तरीका क्या कह रहा है, y का जो कोफिशियंट है दैट इज स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस
खुद ही स्लोप निकल आई। हमेशा अगर कोई इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन होगी, आप उसे ऐसे रीअरेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्स के साथ जो लिखा होगा वो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगी। क्लियर है बात? जरा मुझे इसकी स्लोप निकाल दें। 5x + 3y = 150 - -5/3 स्लोप आ गई। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? क्लियर है बात? अच्छा जी, एक तरीका और भी है। वो कहते हैं यार, जब इक्वेशन अभी अपनी ओरिजिनल हालत में ही पड़ी हो ना, ओरिजिनल हालत का क्या मतलब है, अभी x और y एक तरफ ही हैं, इस वक्त जो कुछ x के साथ लिखा हुआ है इसको a बोलते हैं और जो y का कोफिशियंट है इसको b बोलते हैं। बात समझ आ रही? लेकिन जब हम इसे रीअरेंज करके उधर ले जाएं तो फिर x के साथ जो लिखा उसको स्लोप बोलते हैं। वो कहते हैं अगर आप इक्वेशन को ना छेड़ें, ऐसे ही रहने दें, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, तो वही आ गया -2/3। कुछ बात समझ आई है? सबको समझ आ गई है? जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर इक्वेशन गिवन है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन के साथ छेड़ा छाड़ी कर लें ऐसे, या इक्वेशन को वैसे ही रहने दें डायरेक्ट ही माइनस ए ओवर बी कर दें। तरीके से स्लोप सेम ही आ रही है। बात समझ आई है? कुछ इसका मतलब है, मैं अब एक लाइन बोलने लगा हूं, स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। अगर डेटा किसी एक ही चीज का है, अगर ये पॉइंट इसी लाइन का था तो फिर स्लोप वहां से भी वही आनी चाहिए थी, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं फिर भी वही आनी चाहिए, डायरेक्ट निकाल लूं फिर भी वही आनी चाहिए। तो स्लोप निकालने के तीन तरीके हो गए। अगर ये एक ही लाइन है तो तीनों तरीकों से स्लोप हमेशा बराबर, हत्ता के वाई वन किसे रखें एक्स वन किसे रखें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ बात समझ आई है? आज तो जरा क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, सर ने लेट क्लास छोड़ी, कल से इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से चलेंगे। और आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, दो काम करने हैं, एक क्लास में करेज पैदा करनी है ये कहने की कि सर मुझे समझ नहीं आई। आप सब ने पैसे दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो हम आपको हंस हंस के दिखा रहे हैं इसके पीछे आपका पैसा भी है, ठीक है ना? तो आपका राइट है कि जब आपको समझ ना आ रही हो तो आपने डरे डरे सहमे सहमे नहीं बैठना, आपने इस प्रेशर को नहीं लेना कि अच्छा अच्छा यार अब ये एक डायरेक्टर हमें पढ़ा रहा है या एक एफसीए बंदा पढ़ा रहा है, नहीं नहीं, आपको हर बात को पूछना है। जहां पर नहीं समझ आई मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ समझ आ गई है समझ आ गई है समझ आ गई है, आपने काउंटर मुझे रिस्पॉन्ड करना है। जी बेटा, कौन सा? हाँ वो भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, कल आएंगे तो सारा काम दोबारा हो रहा होगा, ठीक है ना जी। 120 का क्या करना है, 120 कहना है इसको बस। वेरी गुड, आपने अच्छा सवाल किया। 120 क्या है? जब हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो असल में 120 नहीं बच गया था, बल्कि क्या बच गया था, 40। एक्चुअली ये क्या था, ये अच्छा सवाल है कि सर ये तो स्लोप है तो फिर ये क्या है। एक्चुअली हुआ क्या, ये एक ऐसे इक्वेशन थी, ऐसे, ये तो इसकी स्लोप बता रही है -2/3, ये यहां पर y इंटरसेप्ट इसका 40 है, दिस कॉन्स्टेंट इज y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये इक्वेशन y एक्सिस को किस लेवल पर कट कर रही है, 40 पर कर रही है। बात समझ आ रही है? तो जब हम कहते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक्चुअली c इज y इंटरसेप्ट, ठीक है ना जी। जी इसकी इस तरीके से कोई वैल्यू नहीं निकली, इसकी वैल्यू हम अलग से अभी चैप्टर में आगे चल के निकालना सीखेंगे,
ठीक है ना। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि इसने इंटरसेप्ट ही किया हो सकता है ना किया हो सकता है ये लाइन ऐसे जा रही हो, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी हम इंशाल्लाह ताला काम करना शुरू करेंगे। आज तो बस हमने थोड़ा सा आगाज किया है, मुझे क्योंकि एक लेवल तक लाना था तो थोड़ी सी फीलिंग आपको आ रही होगी शायद सर ने तेज पढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां तक हमें पहुंचना था, कहीं बात को थोड़ा सा कंक्लूड करना था कि हम कहीं तक पहुंच जाए, इस लाइन तक पहुंच जाए, स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। अब आपने करना क्या है, मैथमेटिक्स के लिए एक अलग से रजिस्टर बना लेना, कोई किताब साथ नहीं लानी, कुछ नहीं लाना, कोई नोट्स होंगे तो वो मैं खुद दे दूंगा, आप फोटोकॉपी शॉप से ले लेंगे। ये जितना कुछ होगा ये मैं आपको सॉफ्ट में ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी फोटोकॉपी की कॉस्ट भी ना आ रही हो। ये सारे कल हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे इंशाल्लाह ताला, अंदर ये सारी चीज़ें हम सॉफ्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जी। नंबर कल करेंगे, कल उसी ग्रुप में जब आपको ऐड करेंगे ना, तो हमने ग्रुप ऐसे नहीं बनाना जैसे आप लोगों ने बनाया, ठीक है। कुछ ग्रुप बना लिए ना आप लोगों ने, एक एक बच्चे ने सारा कुछ ऐड किया, ये किया वो किया, हम तो एक 5 मिनट में ग्रुप क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला यहीं पर, ठीक है। कल करेंगे ये काम, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे।